अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा MBBS छात्रा वेदिका ठाकुर की हत्या के बाद पुलिस कार्रवाई के विरोध में मालगोदाम चौक से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक प्रदर्शन और जुलूस निकाला गया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई अत्यधिक आशंकित है। वहीं महासभा के पदाधिकारी और जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने आरोप लगाते हुए कहा कि संजीवनी नगर थाना द्वारा गलत तरीके से FIR लिखी गई है और केस कमजोर करने की साजिश रची गई है। हम इस हत्या की पुनः जांच करने की मांग करते हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने पुनः जांच करने का आश्वासन दिया है। द्वारा आज वेदिका को श्रद्धांजलि के साथ साथ SP महोदय से हमारी मांग उसकी जांच पूरी तरीके से की जाए, क्योंकि ठीक पुलिस के द्वारा जो केस तैयार किया गया है उसमें बहुत सारी शंका और संशय है। संशय यह है कि जब FIR लिखी गई तो गलत तरीके से लिखी गई, गलत बयान लिखे गए, ना ही उसकी DVR जब्त किया गया, ना ही मोबाइल जब्त किया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई की गई जिससे केस को कमजोर करने का षड्यंत्र नजर में आता है। हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए भी इकट्ठे हुए क्षत्रिय समाज के लोग, और साथ ही साथ SP से यह मांग है कि इस केस की तरीके से पूरी जांच की जाए और जो होना चाहिए, जो हम लोग लिखित में चीज़ों को दे रहे हैं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपा नहीं, सारी पार्टी के लोग, सारे दल के लोग इकट्ठा मिलकर क्षत्रिय समाज के बैनर पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 7 दिवस के अंदर इसमें निश्चित तौर पर ठोस कार्रवाई होगी, अन्यथा जबलपुर शहर में एक बड़ा आंदोलन हमारी बिटिया के लिए शुरू होकर पूरे प्रदेश में जाएगा। वेदिका की असमय मृत्यु एक जघन्य हत्या थी, जिस जघन्य हत्या को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई किसी भी तरह से न्यायिक नहीं थी। एक उसकी हत्या के समय प्रयुक्त हथियार स्पष्ट था कि गोली मारी गई है। PI द्वारा प्रथम दृष्टया ये कहना कि गोली दीवार में लगी, दीवार से लटके उसको लगी, धारा 308 की कायमी ये बताने का प्रयास किया था कि कोई गैर इरादतन हमला था, बाद में उसकी मौत हुई। गोली लगने के 4 घंटे तक उसे गोटे गांव और गोटे गांव के बाद जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में बिना MLC के घुमाते रहे। 5 घंटे बाद उसको प्राथमिक उपचार मिला, 5 घंटे का उसको शायद उपचार मिलता तो उसकी मौत नहीं होती। उसके बाद घटनास्थल से DVR जो था पुलिस ने उसको लॉक किया था, तालाबंद किया था, सील लगाई थी, तो सील तोड़कर DVR चोरी चला गया। घटना की साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। इस तरह दोषी अधिकारी आज तक वहाँ पर बैठे हैं और ये हत्या जैसे गंभीर अपराध को कि मजाक बना के लगे हैं। 302 की कायमी तब की जब 302 की कायमी तब की जब पूरा शहर आंदोलित हो गया। इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं और दोषी अधिकारी के खिलाफ धारा 201 की कार्रवाई की जाए उसकी मांग के सहित, तो तत्काल उन्हें थाने से अलग करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए इस बारे में, और जो लोग अभी तक बचे हैं उनको अरेस्ट किया जाए इस बारे में हम सब ने आज ज्ञापन दिया। समाज के द्वारा पुलिस अधीक्षक ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो वेदिका का की हत्या हुई उसमें जो भी अधिकारी और जो भी संलग्न हैं जिन्होंने गलतियां की हैं उसकी जांच की जाए और उन सारे दोषियों को, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। यही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मांग है और समस्त क्षत्रिय महासभा ये भी चाहता है कि अधीक्षक महोदय हमारे ज्ञापन पर, हमारी मांगों पर ध्यान देंगे और उनका निराकरण करेंगे। ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20 से लेकर 60% तक की छूट। जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ। 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त
छूट के साथ न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20-60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ। तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मन पसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होलीगेट, मथुरा।